हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SD फ्रेंडशिप प्रेडिक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा बिग बैस लीग का जो चैलेंजर राउंड होने वाला उसके बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा इस मैच की मैच इन्फो, पिच रिपोर्ट, टीम न्यूज, हेड टू हेड मैच, लास्ट प्रीवियस इनकाउंटर और दोनों टीम का जो बिग बैस लीग का स्क्वाड, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनकी हम बात करेंगे। और वीडियो के एंड में आपको ड्रीम इलेवन की फैंटेसी टीम भी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और जिन बंदों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SD फ्रेंडशिप प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल SD फ्रेंडशिप क्रिकेट पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर हर मैच की आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। और फाइनल टीम भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्लेइंग 11 आने के बाद दोस्तों मिल जाएगी, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा बिग बैस लीग का जो चैलेंजर मैच है ये होने वाला है दोस्तों आपका ब्रिस्बेन हीट और पर्थ सॉकर्स के बीच में। गाइस, आपका यह मैच खेला जाएगा। दोनों टीम्स पीछे एक मैच खेल चुके हैं जिसमें पर्थ सॉकर्स ने टॉस को जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया था, जिसमें आपके फर्स्ट इनिंग में ब्रिस्बेन हीट ने 181 रन का स्कोर खड़ा किया था पर्थ सॉकर्स के अगेंस्ट। उस पारी में आपके क्रिस लिन और लवचंद ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी। वहीं सेकेंड इनिंग दोस्तों पर्थ सॉकर्स ने सिर्फ 175 रन ही बना पाए थे और वो उस मैच को हार गए थे, जिसमें आपके पर्थ सॉकर्स की तरफ से मिचेल मार्श और जेसन रॉय ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था अपनी टीम को जिताने के लिए। फिर भी गाइस, वो इस मैच को हार गए। वहीं दोस्तों, पर्थ सॉकर्स का जो पिछला मैच था वो सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट उन्होंने खेला था, इस मैच को वो हार गए थे। सिडनी सिक्सर्स ने उस मैच को 9 विकेट के साथ जीत लिया था। वहीं गाइस, ब्रिस्बेन हीट ने जो अपना पिछला मैच था वो सिडनी थंडर के अगेंस्ट खेला था, जिसमें ब्रिस्बेन हीट ने उस मैच को 7 विकेट के साथ में दोस्तों जीत लिया था। अब गाइस, हम बात करेंगे आपके इस मैच की डिटेल्स की। तो आपका यह मैच जो है दोस्तों फरवरी को होगा, 4 फरवरी को थर्सडे मैनका ओवल कैनावेरा में गाइस आपका यह मैच खेला जाएगा। अगर हम बात करते हैं कैनावेरा के दोस्तों वहां की पिच रिपोर्ट की, तो वहां पर आपको 150 रन का एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है। बाकी जो बॉलिंग फ्रेंडली पिच होने वाली है और आपको 8 रन पर ओवर देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों, फर्स्ट इनिंग में जो टीम के लिए 100 विकेट गिरने के चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं। बाकी दोस्तों, हम चलते हैं वहाँ नेक्स्ट पॉइंट के लिए जो होने वाली टीम न्यूज़ कल के मैच की। उसमें आपके पर्थ सॉकर्स के लिए आपके जो शिलिंग्स, लिवस्टोन, मिचेल मार्श आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। फिर ब्रिस्बेन हीट में आपके जोनाथन वाल्स, फिलिप सॉल्ट, जेवेदर और टारविस हेड दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। बाकी दोस्तों, पर्थ सॉकर्स कुछ चेंजेस कर सकती है अपनी टीम में, जो भी चेंजेस होंगे आपको अपने हम बता देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों, दोनों टीम का जो बिग बैस लीग का स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं उनकी मैं बात करता हूं। तो पर्थ सॉकर्स का जो बिग बैस लीग का स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, तो उन सभी के नाम मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। आप आराम से वीडियो को पॉज करके सभी प्लेयर्स के नाम को पढ़ लीजिएगा कि पर्थ सॉकर्स का जो बिग बैस लीग का स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं। मैं दोस्तों, ब्रिस्बेन हीट का जो बिग बैस लीग का स्क्वाड है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स उनकी मैं बात करता हूँ, तो उन सभी के नाम भी मैंने यहाँ पर मैंशन कर दिया। आप आराम से वीडियो को पॉज करके सभी प्लेयर्स के नाम को पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों, पर्थ सॉकर्स का जो प्लेइंग 11 होने वाला कल के मैच का उसकी हम बात करते हैं, तो उसमें आपके जेसन रॉय, लिविंगस्टोन, कोलिन मिलो, जोसलिन, मिचेल मार्श, ऑस्टन टर्नर, जे चार्सन हैंडी, जेसन वेंजड्रॉप, आंड्रे टाय, फवाद अहमद दोस्तों यह आपका पर्थ सॉकर्स का प्लेइंग 11 हो सकता है कल के मैच का। भाई, ब्रिस्बेन हीट का जो प्लेइंग 11 हो सकता है उसमें आपके क्रिस लिन, मैक्स ब्रांड, मार्को लेपचिन, जो डैनली, जो बंस, जिमी पर्सन, लुइस जॉर्जेट, जैक प्रेस्टवाइट, मार्क स्टैक्टिस, जेवर बैटलेट और मिचेल स्वेप्सन दोस्तों यह आपका ब्रिस्बेन हीट का प्लेइंग 11 हो सकता है। बाकी कुछ भी अपडेट होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों, यह है मेरी इस मैच की फैंटेसी टीम, जिसमें मैंने विकेटकीपर सेक्शन में जोश लिंग्स और जेफ पर्सन को दोस्तों यहाँ पर लिया है। बैटिंग सेक्शन मैंने यहाँ पर जेसन रॉय, कोलिन मिलो, क्रिस लिन को गाइस मैंने यहाँ पर लिया है। और ऑलराउंडर सेक्शन मैंने यहाँ पर ए हार्डी, लिविंगस्टोन एंड लेफ्ट चेन को दोस्तों यहाँ पर मैं लूँगा। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों यहाँ पे एम स्वेप्सन, जे वेंजड्रॉप और जे रिचार्डसन को दोस्तों मैंने यहाँ पे लिया है। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन चॉइस की मैं बात करता हूँ, तो गाइस मैंने यहाँ पे कैप्टन बनाया है एम लेफ्ट चेंज को, वाइस कैप्टन दोस्तों मैं यहाँ पे लिविंगस्टोन को बनाना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर इनिशियल टीम दे रहा हूँ, फाइनल टीम आपको प्लेइंग 11 आने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल SD फ्रेंडशिप क्रिकेट पर गाइस मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर सेम प्लेइंग 11 रहता है तो आप इस टीम के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो भी चेंजेस होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पर हम बता देंगे, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाइएगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो जो बंदे फैंटेसी क्रिकेट खेलते और खेलना पसंद करते हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ISD फैंसी प्रेडिक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ISD फैंसी क्रिकेट पर भी ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ पर आपको हर मैच की अपडेट मिलती रहेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों पर स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो थैंक्स फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।